सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा बरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वाटर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। सुबह का सारा काम हमारा हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और आज मौसम थोड़ा हल्का हल्का बादल लगा है। मतलब आजकल तो हम बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं, जिस टाइम पे हम नाश्ता करते हैं ना उस टाइम पे बादल लगने लग गया था। बाहर बैठने में भी ठंडी लगी थी आज और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ते रह रही है। तो आपको एक बार मौसम दिखाते हैं। मेरी ब्लॉग ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपका जो करवा चौथ का पूजा का सामान है आपने क्या क्या लिया है वो दिखाना करके। तो वो सामान जब नीचे रखा हुआ है नीचे वाले कमरे में, जब मैं नीचे जाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी करवा चौथ का सामान मैंने क्या क्या ले रखा है। साड़ी वगैरह चूड़ियाँ ये सब चीज़ तो मैंने दिखा दी थी लेकिन पूजा का सामान नहीं दिखाया था। मैंने एप्पल वाली थाली नहीं ली है, मैंने नॉर्मल थाली ले रखी है जैसी पहले लेते थे वैसी ले रखी है। और एप्पल वाली थाली ना मैं खुद से बनाऊंगी सोच रही हूँ ऐसा, तो जब नीचे आऊंगा तब दिखाते हैं आपको। सो गाइस, आगे का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना स्किन केयर रूटीन बता देती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं उनके कमेंट आते हैं और उनके मैसेज आते हैं कि आप अपने फेस में क्या यूज़ करते हो, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो। मैं अक्सर आप लोगों के साथ बीच बीच में ये बातें शेयर करते रहती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो जो लोग मेरी व्लॉग रोज़ देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। चलो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने से पहले सारे प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो इस किट के अंदर मुझे ये 4 प्रोडक्ट मिले हुए हैं। फर्स्ट है क्योर स्किन का सनस्क्रीन जेल, सेकंड ये इसका फेस वॉश है, थर्ड है सूथिंग हाइड्रा जेल, फोर्थ एंड लास्ट है कैरेक्टर अमूल जेल। तो क्योर स्किन एक ऐप है जो कि सिंपली हमें मिल जाता है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद साइन इन करें। साइन इन करने के बाद हमारी लाइव चैट होती है डर्मोटोलॉजिस्ट से। डर्मोटोलॉजिस्ट से लाइव चैट होते टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे मोटे जो कि आपके फेस के रिगार्डिंग होते हैं और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना घबराए सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपका होता है फेस का एनालिसिस। फेस का एनालिसिस जब होता है ना तो रेड रेड डॉट दिखाई देते हैं फेस में और इससे पता चलता है हमें कि हमारे फेस में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। फेस का एनालिसिस होने के बाद हमारी बनती है किट, जो कि मेरी ये वाली किट बनी थी और मैंने आपको इसके अंदर के प्रोडक्ट भी दिखाए। पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब फेस का एनालिसिस हुआ ना तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे फेस में भी इतनी सारी दिक्कतें हैं। इस किट से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि ये किट आपको कितने की पड़ी। तो ये किट मुझे पड़ी थी 1500 रुपये की और अगर आप मेरा कूपन कोड DISU200 यूज़ करेंगे ना तो आपके लिए 200 ऑफ हो जाएगा। और एक बात ये है कि ये ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 50 कस्टमर के लिए ही अवेलेबल है अगर आप इसे खरीदेंगे तो। और इसमें एक मजे की बात आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी डाइट चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं ना तो वो भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये कि आपका घर बैठे बैठे फेस का एनालिसिस हो जाता है और साथ ही साथ में आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपकी जो ये किट है वो होम डिलीवरी हो जाती है। मेरी भी ये किट है जो ये घर तक पहुँच गई थी तो आपकी भी ऐसे घर तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी फेस की सारी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं तो आप भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट एक बार यूज करके जरूर देखिएगा। हमारे घर के आगे जो खेत नहीं थे, मतलब जिनमें धान बो के काटे हुए थे, वो बंजर थे उस टाइम पे, लेकिन अब फिर से आजकल बुवाई स्टार्ट हो गई है, ट्रैक्टर लग गए हैं खेतों में भी। मम्मी पापा नीचे हैं और अमित देख रहे हैं टीवी। अमित का आज टीवी देखना ही चल रहा है, मैं भी जाती हूँ नीचे। कपड़े फोल्ड करो अपने। ओ कर दिए, वाह। टक 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 वैसे जा रहे। रॉकी बेचारा यहाँ से दिख रहा है, इतना गंदा हो क्या आया है ना ये।
रॉकी को भी दिखा दिया। अब मैं आपको एक बार खरगोशों से मिलाती हूँ, कल परसों मैंने व्लॉग में खरगोशों को नहीं ले रखा है। कितने अच्छे से सो रही है ये। आए आए निन्नू, आ रही तुमको निन्नू। मम्मी है यहाँ कंघी करने के लिए, कंघी बाहर ला गई। पापा जी को ठंड लग गई बहुत ज्यादा, धूप से को आ गई धूप। अब आज मैंने अपनी सासू माँ की ना बहुत पुरानी साड़ी पहनी है, मतलब ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। फोटो में देखी थी मैंने, मामा की या मौसी की शादी की फोटो में थी, तो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिर मैं आज एक साड़ी मांग रही थी उनसे रील बनाने के लिए, दे दो करके। तो फिर उन्होंने ना मेरे को जब दूसरी वाली साड़ी दी, उसका ब्लाउज ही नहीं मिला था, लास्ट में ये वाली साड़ी मिली। ये वाली साड़ी इतनी प्यारी है ना, सच में मैंने इसमें 2-3 फोटो भी खिंचवा रखी है अमित से कह के। मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है, तो साथ ही साथ में आपको करवा चौथ की जो थाली वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपनी करवा चौथ की पूरी शॉपिंग दिखाई लेकिन अपनी थाली वगैरह नहीं दिखाई, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। नीचे से लेके आ गई मैं ऊपर, और साड़ी के साथ साथ ही दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं करवा चौथ का सामान दिखाना आपको। सबसे पहले मैंने ली है ये वाली थाली, और मैंने सोचा था पहले कि मैं इसको निकाल के इसमें ऐपड़ वाली थाली बनाऊंगी, लेकिन मैं दूसरी थाली लूंगी सोच रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पहले करवा चौथ की है ना, तो इसको मैं निकालूंगी नहीं। ये रही, सिंपल सी है, और ये है लोटा, ये रहा लोटा, और छन्नी भी सिंपल है, ये सिंपल सी छन्नी है। और जो कड़वा है ना वो थोड़ा डिजाइनर टाइप का है, ये कड़वे के ऊपर का दिया टाइप का है, ये रहा। और जो छन्नी के अंदर मैं दिया जलाऊंगी वो नॉर्मल मिट्टी के दिए हैं, ये वाले। और ये है मेरा कड़वा, तो कड़वा भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा डिजाइनर टाइप का। पहले से मैंने देखा था ना, आंटी लोग वो करते थे, बगल में रखते थे, तो उनके सिंपल होते थे ऐसे, नॉर्मल सिंपल मिट्टी वाला जैसा ओरिजिनल होता है वैसे होते थे। आज इसमें कलर भी कर रखा है, और साथ ही साथ में इसके वो लगा लिए झालर, सजावट वाली चीज़ें लगा ली इसमें। तो यही है मेरा करवा चौथ का सामान, और फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है, तो एक बुक ली और साथ में एक कैलेंडर भी लिया, जिसमें मतलब पूरी कहानी और आरती वगैरह होती है वो वाली। और मेरा जो सीका है वो बचा है, नारियल बच रखा है, और थोड़ी चीज़ें और बची हैं वो मैं भरकट्टा से ही लूँगी, कल लेंगे या परसों ही लेंगे, क्योंकि 1 तारीख को फास्ट है। और कड़वे के अंदर शायद गेहूँ और पता नहीं क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें मैं मामी से पूछूंगी करवा चौथ के पहले दिन पूछूंगी, क्योंकि मामी लोग तो बहुत साल से रखते आ रहे हैं, तो उन लोगों को सारी चीज़ें पता हैं। ये रहा पूरा मेरा करवा चौथ का सामान, और साथ में सासू माँ की पता नहीं कितने साल पुरानी है, 10-12 साल पुरानी साड़ी पहनी है मैंने आज, जो कि आज भी काफ़ी अच्छी लगी है। 10-12 साल पहले ये चलते थे ये डिज़ाइन, और फिर से यही वाले डिज़ाइन आ गए हैं। देखो आज के लिए ही आ गए। थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें ये जो बॉर्डर है ये थोड़ी चौड़ी चौड़ी पट्टी वाला है, और कोई कोई ऐसे भी आते हैं, मेरे को मन कर रहा था ये वाली साड़ी लेती मैं इस बार तो सही रहता करके, मुझे पता नहीं था। लेकिन घर में ये साड़ी है ना, ये फोटो में आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन मम्मी ने ना बहुत सालों से पहनी नहीं ये साड़ी, तो रखे रखे ना इसका कलर थोड़ा सा फेड टाइप का हो गया, इसमें पता नहीं चल रहा होगा। ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और यही था मेरा सामान। और जो छोटा छोटा सामान बच चुका है वो मैं आपको पहले दिन दिखाऊंगी कि मतलब क्या बचा कुचा सामान है। सीका होता है एक, वो बचा है, और नारियल वगैरह यही बचा है, मेन यही चीज़ें बची हुई हैं। वैसे तो अब सब चीज़ मैंने ले लिया लगभग, और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर दी हैं, और मैंने रील्स भी बना ली ये वाली साड़ी में। तो आप फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, और दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, तो दिन का खाना बनाने के लिए जाती हूँ नीचे। मम्मी भट्टे साफ कर रही है। मैंने ना आज एक ब्लॉग डाला था जिसमें मेरी सासू माँ और मेरे देवर हैं वो खेत में खोद रहे थे, तो लोगों के कमेंट पड़ रहे थे कि कैसा जमाना आ गया है कि सास खेत में काम कर रही है और बहू रील बना रही है, मतलब वीडियो बना रही है करके। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी ना, आज मेरी सासू माँ ने मुझे खुद अपनी साड़ी दी है ये वाली रील बनाने के लिए, तो आप खुद ही समझ जाओ कि वो मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करती होंगी
वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे ना मेरे को मतलब जिस जगह पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, और ये कोई बुरा काम तो है नहीं कि जो मेरी सास या मेरे ससुर या कोई भी मेरी फैमिली में कोई भी मना करेंगे, तो अगर ये चीज़ बुरी होती ना तो वो कभी अपनी साड़ी मुझे नहीं देती रील बनाने के लिए। मैंने खुद उनसे कहा कि मम्मी अपनी साड़ी दे दो, मुझे रील बनानी है, और उन्होंने खुद निकाल के दो दो साड़ियाँ दे दी, एक भी नहीं दो साड़ी दे दी बनाने के लिए मुझे रील। दिन का खाना भी हो चुका है और आज मैंने भटकी पिसी वाली दाल बनाई थी, और अमित तो खाने के लिए आए नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, कहीं गए थे वो ऊपर अपने दोस्तों के साथ, तो फिर मैंने कॉल किया था खाना खाने के लिए, तो घर ही आऊँगा बोल रहे थे, जब वो आएंगे खुद ही खा लेंगे, क्योंकि उनके लिए कढ़ाई में दाल और ऐसे बर्तन रखे हुए हैं अभी तक, तो जब वो खाएंगे फिर धोएंगे बर्तन, आधे बर्तन तो धो लिए हमने। अब मैं रेस्ट वगैरह करती हूँ और आपको सीधे मिलूँगी शाम को। आज ना मुझे दिन में नींद नहीं आई, और मैं फिर से लग गई मेहंदी प्रैक्टिस में, ये बनाया मैंने आज। और कल रात को ऐसा होता ना कि मैं दिन में, कल दिन में मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सो गई थी, फिर उसके बाद मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं रात को भी मेहंदी बनाने लगी, क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे पति भी सो गए थे, क्योंकि आजकल उनके मैच चल रहे हैं तो वो थक जा रहे हैं, तो वो भी सो गए थे, फिर मैंने कहा छोड़ो ये सो गए, मैं मेहंदी बनाती हूँ। आज वाली ये है जो मैंने अभी बनाई, और ये है मेरी कल रात वाली मेहंदी, मतलब खाना वाना खा के जो मैंने व्लॉग एडिट करा, मैं बोली थी ना कि टाइम बचेगा तो मैं मेहंदी बनाऊंगी, तो वही थोड़ा मतलब टाइम बचा गया, कितने बजे बनाती हूँ, 11 बजे के बाद 12 बजे तक ये बनानी हुई थी, उसके बीच में मतलब ऐसे बनाने में थी, फ़ोन भी चला रही बीच बीच में, फिर उसके बाद आई मुझे नींद ये बनाने के बाद। और मम्मी आज गई हैं बधाई देने के लिए रुईना गाँव में, मतलब किसका बेबी और कहना है, तो वहाँ गई हैं मम्मी बधाई देने के लिए। नीचे जाती हूँ, पापा जी से पूछती हूँ चाय पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं करके, अगर चाय पियेंगे तो बनाऊंगी, नहीं पियेंगे तो फिर ऊपर आ जाऊंगी फिर से। ये दोनों फोटो शूट के लिए बैठे हैं ना, फोटो शूट के लिए बैठे हो ना तुम दोनों। दोस्तों रात का खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।